हेलो एवरीवन, ये वीडियो हम पिछले वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में बना रहे हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए फाइब्रोमायल्जिया को लेके ईमेल पे, तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन क्वेश्चंस का आंसर करते हुए, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस बीमारी के हम के बारे में शेयर करूँगी जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, फाइब्रोमायल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरी बॉडी में दर्द होने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अदर सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्टिफनेस फील होना, ठीक से नींद नहीं आना, 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद भी रिफ़्रेश नहीं होना मॉर्निंग में, प्लस सारा दिन थकान रहना। जब इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो हम फाइब्रोमायल्जिया सस्पेक्ट करते हैं। तो फाइब्रोमायल्जिया, अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइब्रोमायल्जिया होने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो मैं कुछ ऐसी एंटिटीज़ डिस्कस करूँगी कि जो अगर हैं तो या तो फाइब्रोमायल्जिया होने का रिस्क फैक्टर है, या फिर अगर ये बीमारी है तो हो सकता है कि आपको अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रोमायल्जिया हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ओबेसिटी, जो जितना ज़्यादा बीएमआई होता है तो वो बीएमआई जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि मेन कारण है फाइब्रोमायल्जिया में होने का, और ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है ज़्यादा बीएमआई के साथ होने से। दूसरा रिस्क फैक्टर्स है डिप्रेशन, अगर किसी को हिस्ट्री है डिप्रेशन की, या फिर करंटली डिप्रेशन उसे डायग्नोज हुआ है और ये सारे सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए वो भी हैं, तो ये हो सकता है कि अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रोमायल्जिया है। तीसरी चीज़ है एंग्जाइटी, अगर हम हर समय किसी चीज़ के बारे में एंग्शियस रहते हैं, चिंता रहती है, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया हम ज़्यादा सोचते रहते हैं, और ये चीज़ हमारी स्लीप अफेक्ट कर रही है, प्लस बॉडी में स्टिफनेस होना, जनरलाइज्ड पेन है, तो अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रोमायल्जिया हो सकती है। फिर माइग्रेन या टेंशन हेडेक होना, इन दोनों में से अगर कुछ है तो भी ये एक रिस्क फैक्टर है फाइब्रोमायल्जिया डेवलप होने का। फिर एक एंटिटी आती है जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि पेट इस तरह से ख़राब होना कि कभी आपको कब्ज हो जाती है और कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो पेट ऑल टुगेदर कभी भी एक जैसा नहीं लगता कि ठीक है। तो अगर ये सिम्टम या एंटिटी एसोसिएटेड है तो फाइब्रोमायल्जिया होने का रिस्क फैक्टर है। फिर पीरियड्स के समय पे या पीरियड से पहले ऐसे सिम्टम्स होना कि जैसे पेट में दर्द है, या फुलनेस फील होना, हैवीनेस होना, तो इसे डिसमेनोरिया वाले सिम्टम्स जिसे कहते हैं, वो सिम्टम्स भी एक रिस्क फैक्टर्स हैं फाइब्रोमायल्जिया डेवलप होने का। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि फाइब्रोमायल्जिया के जो ट्रीटमेंट है उसमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, इन्फ्यूजन देते हैं, और सबसे जो बड़ा फैक्टर है जो हमें हेल्प करता है फाइब्रोमायल्जिया से निकलने में, स्पेशली अगर अर्ली स्टेज है, तो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज एक बहुत ही ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज हेल्प कैसे करती है। एक तो इसके डायरेक्ट इफ़ेक्ट होते हैं और कुछ इसके इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होते हैं। जब हम कोई भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में एक केमिकल्स निकलते हैं जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिसकी हमने बात की उसको कम करते हैं, जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है फाइब्रोमायल्जिया के सिम्टम्स के साथ। और कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिसे हम नेचुरल पेन किलर्स कहते हैं, क्योंकि वो नेचुरल हैं इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। तो ये है डायरेक्ट इफ़ेक्ट एक्सरसाइज का जो हमें तुरंत महसूस होता है। एक दूसरा इसका इफ़ेक्ट है जो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है, जब हम ज़्यादा या फिर हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो स्टिफनेस है बॉडी का, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होने के से वो कम होता है, फिर हमें नींद अच्छी आती है जिसकी कि हमारा नेक्स्ट डे क्वालिटी इम्प्रूव होता है। तो ये एक्सरसाइज के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफ़ेक्ट हैं, लेकिन एक्सरसाइज इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड होनी चाहिए। जब आप हमारे पास आते हैं तो आपकी कैपेसिटी क्या है, बिकॉज़ ये जो बीमारी है ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में हो सकती है, बट लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी है वो हर एज में डिफरेंट होती है। तो सबसे बेस्ट है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच टू दिस एक्सरसाइज प्रोग्राम। लेकिन अगर आप कुछ घर पे करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो सभी एज ग्रुप्स के लिए सेफ़ होती हैं। सबसे पहली चीज़ उसमें आती है ब्रिस्क वॉकिंग, जब आप तेज़ चलते हैं, और तेज़ हर अपनी आदमी की कैपेसिटी से होता है, किसी के लिए 5 किलोमीटर पर आवर, किसी के लिए 1 किलोमीटर पर आवर, वो तेज़ है। तो जो अपनी स्पीड के हिसाब से जब आप तेज़ चलते हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग
ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे कोई भी नुकसान या प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हर कोई भाग नहीं सकता, और कई बार भागने से आपके हार्ट सरफेस पे, जैसे आप भाग रहे हैं और आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो डिस्क प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं। इसलिए ब्रिस्क वॉकिंग एक बहुत ही सेफ रिकमेंडेड एक्सरसाइज है। फिर दूसरी चीज़ आती है स्विमिंग। स्विमिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बॉडी को टोन अप रखने के लिए, स्टिफनेस कम करने के लिए, और कैलोरीज लूज करके ओबेसिटी कम करने के लिए, और ये बहुत ही सेफ है। तो ये वन ऑफ द एक्सरसाइज है जो फाइब्रोमायल्जिया में बहुत हेल्प करती है। फिर तीसरी चीज़ है वाटर एरोबिक्स। जिनके आसपास कुछ ऐसा एरियाज़ हैं जो यू नो स्मॉल स्विमिंग पूल्स जैसे, जो लोगों को स्विमिंग नहीं भी आती वो ये चीज़ कर सकते हैं। वाटर एरोबिक्स का मतलब है कि जो एक्सरसाइज आप लैंड पर नहीं कर सकते वो पानी में जाके, क्योंकि पानी आपकी का बॉडी वेट शेयर कर लेता है, तो उसमें आप जब जाके एक्सरसाइज करते हैं तो आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। तो ये कुछ एक्सरसाइजें हैं जो आप घर पे मतलब कुछ अपने लेवल पे कर सकते हैं और जो आपके लिए सेफ़ हैं। प्लस जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो इंडिविजुअल एक्सरसाइज बेस्ड प्रोग्राम शुरू किया जाता है, जिससे पेन में तो इम्प्रूवमेंट होता ही होता है, साथ में ओवरऑल फंक्शनिंग जो आपकी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखा गया। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सिम्टम्स हैं ये कई और बीमारियों का भी लक्षण हो सकते हैं। सो जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड अगर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा उसमें भी यही सारे सिम्टम्स होते हैं। नसों का एक प्रॉब्लम होता है जिसे हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे हार्मोनल और नसों के प्रॉब्लम्स हैं जो इनके सिम्टम्स की तरह लग सकते हैं, लेकिन वो फाइब्रोमायल्जिया नहीं होके कुछ और हो सकता है, उनका ट्रीटमेंट अलग है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं और क्रॉनिकली हैं कि आपने बहुत टाइम हो गया, बहुत हफ्ते हो गए, बहुत महीने हो गए इन सिम्टम्स के साथ जूझते हुए लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और देखें कि अगर आपको ये बीमारी है कि नहीं। इस वीडियो के एंड में हम लोग एक वेबसाइट का नाम भी लिखेंगे और जिसमें एक ईमेल दिया होगा, तो अगर आप डायरेक्टली चाहें उस वेबसाइट पे भी इस बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, और इसके बावजूद अगर आपके कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं तो आप उस ईमेल पे डायरेक्ट जाकर अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू एवरीवन।